मैं मुस्कान सिंह आजाद, आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, आगरा राष्ट्रीय डेमोनिशिया जागरूकता सप्ताह। ओम शांति वृद्धाश्रम नशा मुक्ति केंद्र स्थित मगन फार्म हाउस बंसी बिहार कॉलोनी देहतोरा रोड बोदला आगरा पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का चौधरी प्रीतम सिंह काउंसलर व प्रबंधक सरोज चौहान ने गुलदस्ता व राधे राधे का पटका पहनाकर स्वागत व सम्मान किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम डॉक्टर पीयूष जैन, नोडल अधिकारी डॉक्टर शिवस कुमार, डॉक्टर श्रीमती ममता यादव प्रोफेसर भूमिका, डॉक्टर पूजा कुलशिष्ठ, प्रोफेसर ओपी शर्मा, डॉक्टर समीर भारद्वाज व योगा गुरु सतीश उपाध्याय एवं उमा शंकर श्रीवास्तव, पवन चौधरी, नारायण सिंह चौधरी आदि शामिल रहे। सभी गणमान्य लोगों ने नशा मुक्ति एल्जाइमर्स डेमोनेशिया के बारे में प्रमुखता से अपने विचार रखते हुए सभी पेशेंटों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। आप देख रहे हैं संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। एक विशेषता होती है जिसका रूप कभी वो अच्छे काम करता है, कभी बीमार हो जाता है। इसी प्रकार सबके मन में, सबके दिमाग में हर परिस्थिति से निकलने की क्षमता एक सी होनी जरूरी है, और जब क्षमता एक सी नहीं होती और जिसमें कम क्षमता होती है उनको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और वो सपोर्ट ओम शांति नशा मुक्ति के लिए अगर ऐसे समाज के बल को प्रोवाइड करा रहा है तो इस सराहनीय पहल है। लगभग सभी आयु वर्ग के लोगों को और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कितने साल से लिया आप छोड़ना चाहते हो, छोड़ लोगे? पढ़ाई करी है, क्या पढ़ते हो? आपका तो अच्छा है सर, अपना अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर पीयूष जैन हूँ, मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में एज ए डिप्टी सीएमओ नोडल ऑफिसर मेंटल हेल्थ ग्रुप में पोस्टेड हूँ। सर, जैसे नशा मुक्ति केंद्र में जैसे आप आए हुए हैं आज, जिस तरीके से आपने दिया है संदेश, तो समाज में क्या संदेश देना चाहिए और जिससे इस तरीके की कुर्तियाँ ना पड़े? मैं समाज में और सभी लोगों को, यहाँ के लोगों को और सिस्टम के लोगों को और जितनी भी हमारी सामाजिक संस्थाएँ जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि सरकारी अस्पतालों में और मेंटल हॉस्पिटल आगरा में और जितने हमारे प्राइवेट या जो सामाजिक संस्थाओं के थ्रू जो समाज सेवा में जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं, सबसे पहले उनका इनिशियल मैनेजमेंट और चेकअप हो जाए, जिससे कोई भी मानसिक बीमारी अपने अंतिम स्तर तक पहुँचने से पहले ही पकड़ में आ जाए, पहचान में आ जाए, उसका समय पर इलाज हो। ऐसे लोग हमारे समाज के, पूरे समाज की एक जिम्मेदारी है और हम सबको मिलकर उसको उठाना है। सर, जैसे देखा गया है यहाँ पर कितने लोग लगभग आपको पाए, जिस तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर हमको इस टाइम करीब 38-40 इनमेट्स और जो यहाँ पर ट्रीटमेंट नशा मुक्ति केंद्र में ले रहे हैं वो मिले हैं। और यहाँ पर दो तरह के वार्ड हैं, एक VIP वार्ड है और एक सामान्य वार्ड है, और दोनों ही जगह लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। हम लोगों ने पर्सनली भी यहाँ पर जो नशा मुक्ति के लिए जो लोग आए हुए हैं उनसे बात करी है, वो सभी संतुष्ट हैं और लगभग दो हफ्ते का ट्रीटमेंट कराने के वो जाते हैं यहाँ से वापस अपने मुख्यधारा में। परंतु मेरा अनुरोध है कि उनके परिवारजनों से भी और समाज के जिम्मेदार लोगों से भी कि जब वो लोग यहाँ से वापस जाते हैं तो उनको एक विभिन्न निगाह से ना देखते हुए एक जिम्मेदारी के साथ उनको एक्सेप्ट करें, उनको फॉलोअप में रखें और दोबारा कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना होने दें जैसे दोबारा वो नशे की गिरफ्त में आ पाए। जैसे कि अब जिस तरीके की NGO चल रहे हैं, अब आगे इनको NGO को क्या संदेश देना चाहिए, किस पैटर्न का काम करना चाहिए? इन NGO को मैं डेफिनेटली एक संदेश देना चाहूँगा कि वे समाज में मुख्य धारा में इन लोगों को लाने के लिए अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड डेवलप करें, किसी भी तरीके से वो एक लकीर के फकीर ना बने कि उनको सिर्फ सेमिनार कराने हैं या फिर डॉक्टर्स को बुलाना है, कैंप की फ़ोटो खिंचवानी है, जो कि आजकल देखा गया है। वो अगर प्रोफेशनल रूप में इन लोगों की हेल्प करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलकर हेल्प करेंगे, सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप अगर उसका पालन करेंगे तो हम समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को इनकी सहायता से मदद पहुँचा सकते हैं और इन NGO को भी उसका फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू। मैं चौधरी प्रीतम सिंह ओम शांति नशा मुक्ति केंद्र काउंसलर हूँ। आज नशा मुक्ति केंद्र का जो प्रोग्राम रखा गया है इसमें कितने मरीज आए हैं, क्या संदेश दिया? सर, अपने पास में करीबन 40 के समथिंग खुद के पास एडमिट मरीज थे जो नशा से पीड़ित थे, मेंटली डिसऑर्डर थे। उनके लिए डॉक्टर सर की टीम आई है सरकारी विभाग से, काउंसलर भी हैं और वैसे भी एक
अल्जाइमर दिवस है और राष्ट्रीय मानसिक दिवस भी है, उस उपलक्ष्य में हमने यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था। बाकी ये सर ये समाज का वर्क है। आज हमारा देश जिस व्यवस्था से पीड़ित है, और मैं तो ये कह रहा हूँ ये बहुत इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो हमारे देश की जड़ें खोखली कर रहा है इस नशा के माध्यम से। मैं कुछ दिन आर्मी में भी रहा था, वहाँ भी मैंने देश सेवा की। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी जगह तो कोई और दूसरा आकर के सेवा कर देगा, लेकिन जो मेन समस्या है मेरे युवाओं में, और युवा इस नशे की चपेट में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ चल रही है। तो मैंने और मैडम सरोज सिंह जी ने एक मिलकर के बीड़ा उठाया कि एक ऐसी व्यवस्था का संचालन किया जाए जहाँ से हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में जो एक प्रेरणा बन के जाए और इस समाज की जो। मैं सरोज सिंह चौहान ओम शांति सेवा समिति की प्रबंधक, जिसके अंतर्गत ओम शांति वृद्धाश्रम चला रही हूँ और एक नशा मुक्ति केंद्र चला रही हूँ। 21 सितंबर 2022 में आज हमारे अल्जाइमर्स दिवस मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत विश्व राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में केंद्र तरफ से ये क्या नाम इसका इंडोमेसिया करके एक बीमारी होती है जो नशेबाजों के अंदर अक्सर पाई जाती है, उसको लेके हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग से टीम आई है। उस स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इनकी मानसिक और स्वास्थ्य की जांच की गई है, काउंसलिंग की गई है। तो इस अवसर पर हम यही सब बताना चाह रहे हैं कि हमारे सेंटर में जितने भी लोग आते हैं उनके प्रयास के लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग हमेशा तैयार रहता है और सभी स्टाफ विभाग लगा रहता है। चलते हुए कितना टाइम हो गया और यहाँ से कितने लोग स्वस्थ होकर अभी तक गए हैं? हमारी संस्था को 33 साल चल रही है और लगभग 200+ यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं। तो जिस तरीके का आपने बीड़ा उठाया उस तरीके से समाज से आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे समाज भी इसमें योगदान दे, इसके नशा कम से कम मुक्त हो सके? सबसे पहले मैं समाज से मेरा एक बड़ा अनुरोध है कि पहले तो अपने बच्चे को दिशा निर्देश ऐसी दिशा निर्देश में पालें जहाँ बच्चा ऐसे माहौल में जा ही ना पाए, और अगर ऐसी संस्था में अगर व्यवस्था में बच्चे चले भी गए तो हमारे जैसी संस्था कई अनेक खुली हुई हैं, हमें याद किया जाए और संस्थाओं को याद किया जाए और उनके तात्पर्य के लिए हमेशा सेवा में खड़े हैं। जैसे भी हमारे लिए सहयोग होगा किसी भी तरह का, मन से, तन से, धन से, हम हर तरह से समाज के लिए खड़े हैं। कछनेरा से हूँ और आज हम लोगों ने ये मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम रखा है क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है 19 से 25 का, पूरे हफ्ते का, जिसमें हमारा मकसद यही रहता है कि जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं हर तरीके की, चाहे वो नशा मुक्ति के लिए हो या और भी कई तरीके की जो मानसिक बीमारियाँ होती हैं, उससे मुक्त करने के लिए जितने भी संस्थाएँ चल रही हैं उनका क्या मकसद है, वो कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, और जो भी मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं जो लोग, उनके लिए हम अपने लेवल पे क्या मदद कर सकते हैं सरकार के थ्रू, उसके लिए हमने ये कैंप लगाया है। तो जैसा कि हमने ओम शांति नशा मुक्ति केंद्र में विजिट किया है तो उसके हिसाब से यहाँ सारी सुविधाएं हैं जो नशा मुक्ति के लिए हैं, और साथ में और भी मानसिक बीमारियों के मरीज पाए गए हैं जो, और डिमेंशिया और हाइपोकॉन्ड्रिक के भी एक दो मरीज से हमने विजिट की है, तो उनका भी अच्छा से इलाज हो रहा है और करीब 15 दिन या 1 महीने में उनको यहाँ से वापस भेज दिया जाता है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।